डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 के सभी सेक्शन के बच्चों को गुड मॉर्निंग। आज आपका मैथ में एक्सरसाइज 6.2 ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। कल थ्योरम के बारे में बताए थे, त्रिभुज के तीनों कोणों को योग 180 होता है, उसी पर आधारित सवाल है। प्रॉब्लम नंबर 1 में है कि इस फिगर में आप पी आर क्यू को बताइए कितना डिग्री होगा। सबसे पहले ये कोण और ये कोण को मिलाने से रेक्टेंगुलर बनता है, तो दोनों मिलकर 180 हुआ। क्यू पी आर को रख दिए और इसका वैल्यू 135 दे दिए, मालूम है 180। अब क्यू पी आर का वैल्यू होगा 180 माइनस 135 45 डिग्री। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ, कोण क्यू पी आर, क्यू पी आर ये कोण प्लस पी आर क्यू ये कोण, ये कोण और ये कोण दोनों को मिलाने से बाहर वाला कोण होगा बहिष्कोण, त्रिभुज के बहिष्कोण के नियम से। अब क्यू पी आर का वैल्यू 45 था और पी आर क्यू निकालना है, पी क्यू की जो बहिष्कोण है उसका वैल्यू 110 है, देयरफोर पी आर क्यू बराबर 110 में 45 को माइनस कीजिए, 65 डिग्री हो गया, इस एंगल का वैल्यू आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2 है, एक ट्रायंगल एक्स वाई जेड है, इसमें एक्स का वैल्यू 62 है और पूरा वाई एंगल का वैल्यू 54 है। आपको दो सवालें ज्ञात करना है, ओ जेड वाई ये कितना का होगा और दूसरा ज्ञात करना है वाई और जेड क्या होगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि ओ वाई जेड कितना होगा, ये एंगल तो यदि पूरा 54 है तो अवश्य ही 54 का ये हाफ हो जाएगा, इसलिए ओ वाई जेड इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, हाफ ऑफ 54 दैट इज 27, इस एंगल का वैल्यू 27 था। आगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये प्लस ये इक्वल टू 180, एक्स का वैल्यू 62 मालूम है, एक्स वाई जेड 54 मालूम है और ये पूरा एंगल को निकालना है तो रख दिए, ये दोनों को जोड़े और अंत में जब एक्स वाई जेड करेंगे तो 180 में 116 घट गया, 64 आ गया, 64 हुआ, यहाँ से यहाँ तक 64 हो गया। जब इसको निकालेंगे क्योंकि ये समद्विभाजक है तो 64 का आधा हो जाएगा 32, ये अंदर का कोण हो गया 32 और ये अंदर का कोण हो गया 27, ये इस त्रिभुज में हम पढ़े हैं कि